हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतू राजपूत सिक्स सिग्मा कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से आपका इस वेबिनार में वेलकम करती हूँ। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल। आज के हम इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पोस्ट कोविड के बाद आपके पास मेडिकल फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, एक क्लियर पाथवे देगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्कोप ऑफ मेडिकल फील्ड पोस्ट कोविड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेडिकल फील्ड में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, कोरोना वायरस आजकल काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रखा है पूरे वर्ल्ड में, जिस वजह से बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने लॉकडाउन कर दिया है और उसकी वजह से आपकी ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है और ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी डाउनफॉल में आ गए हैं, क्योंकि कंपनीज इंडस्ट्रीज सारी बंद हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो सारे सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए हैं इस वायरस की वजह से, बट एक सेक्टर इस टाइम पे भी कम इफ़ेक्टेड रहा, आपका हेल्थ केयर सेक्टर। क्योंकि वायरस के ज़्यादा स्प्रेड होने की वजह से हर एक इंडिविजुअल अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं, तो हेल्थ केयर सेक्टर ने इस टाइम पीरियड पे अपना इवन बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। प्राइमरी केयर हर एक इंडिविजुअल की प्रायोरिटी होती है, उसकी नीड होती है, और हेल्थ केयर सिस्टम कोशिश करता है, अपना बेस्ट एफर्ट देता है कि हर एक इंडिविजुअल को वो प्राइमरी केयर हम दे सके। तो प्राइमरी केयर प्रोवाइड करने में आपके स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो आपके डॉक्टर्स हों जो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं या पेशेंट्स को चेक करते हैं कि उनको कौन सी पर्टिकुलर डिजीज़ हुई है, या नर्सेज हों आपकी, नर्सिंग स्टाफ हों जो पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आपके फार्मासिस्ट हों जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट काउंसलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट लगाते हैं हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ केयर को मेंटेन करने के लिए। इसी के साथ आपकी मेडिसिंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब की जाती है उसको ट्रीट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके कॉन्स्टिट्यूट करती हैं कंप्लीट हेल्थ केयर सिस्टम को, जिसको यूटिलाइज करके फिर हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा इन्हांस या इम्प्रूव किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को अगर हम प्रीवियस टाइम के साथ कंपेयर करें तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया ने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। बहुत सारी डेवलप्ड टेक्निक्स आ गई हैं, डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं हमारे पास, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स काफ़ी ट्रेंड हैं जो बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। और इवन इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, और वो एक्सपोर्ट भी करता है अदर कंट्रीज़ को। अगर अभी आप प्रेजेंट टाइम में ही देखो, जो कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में मेडिसिन यूज़ की जा रही है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वो इंडिया ही प्रोड्यूस कर रहा है और बाहर की कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, बट स्टिल अभी भी इंडिया में काफ़ी सिटीजन्स को इतनी अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत लिमिटेड हैं, तो रेशियो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेस्ट करना है या और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हमें और ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, जो प्रॉपरली एजुकेट हों, ट्रेंड हों और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करें। तो इसके लिए हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा अपना इसमें योगदान देते हैं। तो इस सेशन में हम बेसिकली फार्मेसी फील्ड को एलैबोरेट करेंगे, क्योंकि फार्मेसी भी आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल का ही पार्ट है, जिसमें आपके डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट ये सारे इन्वॉल्व होते हैं
डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो है वो स्पेशली आपका हॉस्पिटल ओरिएंटेड ही होते हैं, बट जो फार्मेसी फील्ड है या जो फार्मासिस्ट होते हैं वो आपके हॉस्पिटल में भी इन्वॉल्व होते हैं और वो जो कंपनीज मेडिसिन बना रही हैं वहाँ पे भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ड्रग्स या मेडिसिन के रेगुलेशन में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फार्मासिस्ट आपके ड्यूअल रोल प्ले करते हैं, हॉस्पिटल में भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं और हॉस्पिटल के बाहर भी वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट इज फार्मेसी, पहले हम देखते हैं कि फार्मेसी एक्चुअली होती क्या है। तो फार्मेसी आपकी एक आर्ट है या साइंस हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को हम कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं और उसे डिस्पेंस कैसे करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज दी जाती है इस कोर्स के ड्यूरेशन में। और एक्चुअली फार्मेसी जो है यहाँ पे वर्ड मेडिकल स्टोर्स के लिए बोला जाता है, मेडिकल स्टोर को हम मेडिकल टर्म में फार्मेसी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या नॉलेज प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग मेडिसिन। हु इज फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट कौन होता है? फार्मासिस्ट एक वो पर्सन है जिसको हम केमिस्ट या ड्रगिस्ट भी बोलते हैं, उसको कंप्लीट नॉलेज होती है अबाउट मेडिसिन और वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको डिस्पेंस कर सकता है, इवन किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन या ड्रग के सेफ एंड इफ़ेक्टिव यूज़ को वो बताता है पेशेंट्स को कि किस तरीके से आपको कौन सी पर्टिकुलर मेडिसिन लेनी है, इसका क्या यूज़ है या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, क्या प्रॉपर प्रिकॉशंस आपको इसके साथ लेनी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो नॉलेज रखता है और फिर वो पेशेंट्स को उसके बारे में काउंसिल भी करता है। इवन फार्मासिस्ट जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उन सारे फील्ड्स में इन्वॉल्व होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो मेडिसिन को बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज मेडिसिन बना रही हैं वहाँ पे भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। कहीं पर किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए मेडिसिन रिसर्च हो रही है, इन्वेंट हो रही है, तो वहाँ पे भी फार्मेसी प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। रेगुलेशन अगर हो रहा है दवाइयों का, किस तरीके से दवाइयों को सेल करना है, मार्केट करना है या उनका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, तो इसको एक रेगुलेट फॉर्म में करना होता है, तो इसके रेगुलेशन में भी आपके फार्मेसी प्रोफेशनल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो जो पर्सन फार्मेसी कोर्स कंप्लीट कर लेता है वो फार्मासिस्ट कहलाता है। और अगर हम फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी हायर एजुकेशन जो होती है। तो इसमें अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या मास्टर इन फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हो और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को एक कंप्लीट नॉलेज होती है अबाउट मेडिसिन, क्योंकि उसने अपने कोर्स ड्यूरेशन में उसकी कंप्लीट नॉलेज स्टडी की होती है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो WHO रिकमेंड करता है 2000 की पॉपुलेशन पे एक फार्मासिस्ट अवेलेबल होना चाहिए अगर किसी भी कंट्री में एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम होता है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें अपने इंडिया के साथ तो इंडिया में ये रेशियो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इतना जो WHO ने रेशियो रिकमेंड किया है ये रेशियो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। तो इस रेशियो को फुलफ़िल करने के लिए हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का नंबर इंक्रीज़ करना होगा, या फार्मासिस्ट का अगर हम रेशियो देखें 2000 पॉपुलेशन पर वन फार्मासिस्ट अवेलेबल होना चाहिए, तो इस रेशियो को भी हम कवर अप कर सकते हैं। तो फार्मासिस्ट अगर अपना योगदान इसमें देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारा कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है और इवन हम बेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है? फार्मासिस्ट आपके बहुत डिफरेंट वेज में अपने रोल प्ले करते हैं। फार्मासिस्ट एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो दवाइयाँ बना रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं, और कंज्यूमर यहाँ पे पेशेंट्स हैं जो उन दवाइयों को किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए इनटेक कर रहे हैं।
तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज मेडिसिंस को मैन्युफैक्चर करके फार्मासिस्ट को दे देती है और फिर फार्मासिस्ट जो है वो मेडिसिन डिस्पेंस करता है टू द पेशेंट। तो फार्मासिस्ट एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इसके साथ ही फार्मासिस्ट आपका ड्रग्स या मेडिसिंस की मार्केटिंग और सेलिंग में भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसको कंप्लीट नॉलेज होती है अबाउट मेडिसिन, तो वो इजीली जो है मेडिसिंस की मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो सकता है और बहुत बेस्ट रिजल्ट अपना दे सकते हैं। फार्मासिस्ट आपका जो न्यू ड्रग मार्केट में आ रही है किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के लिए उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखता है, तो वो इजीली जो है काउंसिल कर सकता है पीपल को अबाउट जो न्यू ड्रग मार्केट में आई है। इवन फार्मासिस्ट जो है वो आपका बहुत सारे प्रिवेंशंस या प्रिकॉशंस भी गाइड करता है पीपल को अबाउट वेरियस डिजीजेस, जैसे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैलती रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे, कभी डेंगू हो जाता है, कभी मलेरिया फैल जाता है, तो इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, या किसी को अगर हो जाती है ये बीमारी तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से प्रॉपर करना है, इसके बारे में कंप्लीट काउंसलिंग भी करता है फार्मासिस्ट लोगों के साथ, ताकि उनको वो एजुकेट कर सके, अवेयर कर सके उनकी हेल्थ के बारे में और एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम हम डेवलप कर सकें। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इसमें हमने बताया है कि फार्मासिस्ट जो है पब्लिक की हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए किस किस मेथड के थ्रू कंट्रीब्यूट करता है। तो फार्मासिस्ट जो है वो आपका पेशेंट काउंसलिंग में भी इन्वॉल्व होता है, डैट मीन्स कि जो पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके फार्मासिस्ट के पास आ रहे हैं वो प्रिस्क्राइब करता है उनको वो मेडिसिंस जो उनके प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे लिखी हुई है और उनको बताता है कि आपको किस तरीके से ये दवाइयाँ लेनी हैं, किस टाइम पीरियड पे लेनी है, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, किन चीज़ों का आपको परहेज़ करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट की काउंसलिंग करता है। फार्मासिस्ट आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें टीबी की, तो टीबी आपकी काफ़ी पहले बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती थी और एक डेंजरस बीमारी मानी जाती थी, तो इसके लिए फिर एक ट्रीटमेंट चलाया गया या एक हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया जो WHO और गवर्नमेंट ने चलाया था डॉट्स के नाम से। तो उसमें ये होता था कि जो भी टीबी के पेशेंट्स होते थे उनको रेगुलरली मेडिसिन दी जाती थी और उसको स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही देने जाते थे ताकि उनकी कोई भी डोज मिस ना हो। तो इस काम में भी आपके फार्मासिस्ट जो हैं अपना कंट्रीब्यूशन देते थे ताकि कम्प्लीटली इस बीमारी को हम हटा सकें अपनी कंट्री से या वर्ल्ड से, क्योंकि ये डेंजरस बीमारी है। तो इस तरीके से हर एक फील्ड में वो अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं। मेडिसिन के मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको कंप्लीट नॉलेज होती है मेडिसिन के बारे में कि कौन सी पर्टिकुलर मेडिसिन को कहाँ रखना है, कितने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट है या किस तरीके से उसको मैनेज करना है। तो इसमें मेडिसिन मैनेजमेंट में भी फार्मासिस्ट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। प्रोफेशनल डिस्पेंसिंग, फार्मासिस्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने में इन्वॉल्व होते हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन उनके पास आता है पेशेंट का वो उसको डिस्पेंस करते हैं, उसमें जो भी मेडिसिन लिखी होती है वो पेशेंट को देते हैं और उनको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन करते हैं। डी एडिक्शन सर्विसेज में भी फार्मासिस्ट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ के लिए उसको आदत पड़ गई है या किसी नशे की आदत है उसको, तो उसको कम्प्लीटली वहाँ से रिकवर करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स को लाया जाता है, तो वहाँ पे आपके फार्मासिस्ट उन पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, उनको हेल्प करते हैं इस चीज़ से बाहर आने में। फार्मासिस्ट आपके स्क्रीनिंग सर्विसेज में भी इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, वहाँ पे जाके किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वो ये चेक करते हैं कि वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, क्या स्टेटस है उसका, वहाँ के लोगों का वो हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर,
उनका बॉडी मास इंडेक्स, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे जो भी उन लोगों की काउंसलिंग करनी होती है वो उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको अवेयर कराते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। फार्मासिस्ट आपके हेल्थ प्रमोशन और कम्युनिटी अवेयरनेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट आपका सिर्फ हॉस्पिटल ओरिएंटेड नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर भी लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है बहुत सारे मेथड्स के थ्रू। जो मैंने अभी आपको मेथड्स बताए वो डायरेक्टली पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं मेडिसिन के बारे में, या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं, ताकि हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हम हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा प्रायर है और सबसे इम्पॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल की। तो इसमें फार्मासिस्ट आपका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं अपना। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर हम इंडिया के बाहर देखें तो वहाँ पर डॉक्टर आपके पेशेंट की डिज़ीज़ को डायग्नोस करते हैं, उससे सिम्टम्स पूछते हैं और कुछ टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं और उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर डिज़ीज़ को डायग्नोस कर देते हैं। उसके बाद जो उस डिज़ीज़ या उस बीमारी के बेसिस पे जो दवाइयाँ लिखनी हैं या प्रिस्क्रिप्शन लिखना है वो फार्मासिस्ट लिखता है, डॉक्टर नहीं लिखता, क्योंकि डॉक्टर को इतनी नॉलेज मेडिसिन के बारे में नहीं है जितनी एक फार्मासिस्ट को होती है। तो वहाँ पे डॉक्टर जो फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर के इक्वल ही माना जाता है, बहुत अच्छा स्टेटस है वहाँ पर फार्मासिस्ट का। इंडिया में अभी ये राइट नहीं मिला है फार्मासिस्ट को कि वो प्रिस्क्रिप्शन लिखें, यहाँ पे अभी भी डॉक्टर्स ही लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन। बट जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने गवर्नमेंट से अप्लाई किया है कि इंडिया के फार्मासिस्ट को भी ये अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी ये राइट मिले। तो कुछ टाइम बाद इंडिया में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि अगर इंडिया को भी अपना हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव करना है तो हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि उन्हीं को कंप्लीट नॉलेज होती है हेल्थ के बारे में। तो जो पर्टिकुलर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या जिसके लिए ज़्यादा ट्रेंड है वो उसी पर्टिकुलर फील्ड में इन्वॉल्व हो सके। तो इसी को कंटिन्यू करके करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि फार्मेसी फील्ड में अगर आप फार्मेसी के जो मैंने आपको कोर्सेज बताए वो कंप्लीट कर लेते हो एज अ फार्मासिस्ट, उसके बाद आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास एक वाइड स्पेक्ट्रम है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। आफ्टर कंप्लीटिंग फार्मेसी कोर्स आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हो, तो एज अ फार्मासिस्ट आप किसी भी फार्मेसी में काम कर सकते हो, चाहे वो कम्युनिटी फार्मेसी हो या हॉस्पिटल फार्मेसी हो। आप ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आप जा सकते हो, जो कंपनियां दवाइयां बना रही हैं वहां पे आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट, तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। एकेडमिक्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, आफ्टर कंप्लीटिंग बैचलर इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी आप जो स्टूडेंट्स बी फार्म के हैं या डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनको आप एजुकेट कर सकते हो, उनको ट्रेन कर सकते हो, एकेडमिक फील्ड में आप अपना योगदान दे सकते हो। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो ड्रग्स रिलेटेड रिसर्च होती हैं वो की जाती हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए हम क्या नई दवाई इन्वेंट कर सकते हैं, या ऑलरेडी अगर कोई दवाई है तो उसका अगर कोई और साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, या कोई अगर टैबलेट की फॉर्म में आ रही है तो उसको हम ऑइंटमेंट की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जहाँ पे भी आपकी रिसर्च चल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट के रिसर्च सेंटर्स हों या प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हों, वहाँ पे आप जाके एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो इन्हीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को हम थोड़ा एलैबोरेट करके देखते हैं।
कम्युनिटी फार्मेसी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आफ्टर कंप्लीटिंग फार्मेसी कोर्स आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हो, तो एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप किसी भी फार्मेसी में एम्प्लॉय हो सकते हो। तो चाहे वो आपकी कम्युनिटी फार्मेसी हो या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी हो। कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है? कम्युनिटी फार्मेसी फार्मासिस्ट की डायरेक्ट सुपरविजन में होती है। डैट मीन्स कि वो खुद अपनी एक फार्मेसी स्टैब्लिश कर सकता है और खुद उसकी खुद की जो फार्मेसी होती है वो कम्युनिटी फार्मेसी कहलाती है। हॉस्पिटल फार्मेसी वो फार्मेसी है जो किसी हॉस्पिटल के अंदर है, हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर है और वो हॉस्पिटल की है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल फार्मासिस्ट की नहीं है। एक डिफरेंस और होता है इन दोनों फार्मेसीज में। हॉस्पिटल में जो फार्मेसी है वहाँ पे जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं या जो भी दवाइयाँ डिस्पेंस हो रही हैं वो जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट हैं वही आते हैं, या जो हॉस्पिटल में आए हैं किसी भी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने वो लोग वहाँ से दवाई लेके जाते हैं। बट कम्युनिटी फार्मेसी में कहीं का भी पेशेंट आ सकता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर इस्टेब्लिश है और एक पर्टिकुलर फार्मासिस्ट के डायरेक्ट सुपरविजन में है, तो वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट आ सकता है ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट फील्ड था आपका एकेडमिक का। एकेडमिक में मैंने आपको बताया कि आफ्टर कंप्लीटिंग बैचलर इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी, जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनको आप एजुकेट कर सकते हो, उनको ट्रेन कर सकते हो, उनको कंप्लीट नॉलेज दे सकते हो अबाउट फार्मेसी फील्ड, जो कि बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल फील्ड है। और इजीली आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के थ्रू उनको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं। बैचलर इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, और मास्टर इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आप बैचलर के स्टूडेंट्स को एजुकेट और ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड था आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। गवर्नमेंट के अपने भी बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, रिसर्च लैबोरेटरीज हैं, या बहुत सारी डिफरेंट प्राइवेट लैबोरेटरीज भी हैं जहाँ पे ड्रग्स से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च चल रही है। तो वहाँ पे आप एम्प्लॉय हो सकते हो, इन रिसर्च में अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना योगदान दे सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के लिए हम क्या नई दवाई बना सकते हैं जिसके लिए अवेलेबल नहीं है, या ऑलरेडी अगर कोई दवाई है तो उसको हम कैसे और ज़्यादा मॉडिफाई और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सेफ़ बना सकते हैं। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा मोटो होता है वो यही होता है कि जो भी दवाई या मेडिसिन अगर हम किसी पेशेंट को देने वाले हैं तो वो सेफ होनी चाहिए और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। डैट मीन्स कि जिस भी पर्टिकुलर डिजीज़ या बीमारी के लिए यूज़ होने वाली है उसको ठीक करे और सेफ हो, डैट मीन्स दूसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं मेडिसिन के रिगार्डिंग। तो सेफ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन हमें बनानी होती है। तो अगर किसी ड्रग का कोई अदर इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, या एक फॉर्म में फॉर्मुलेट करके उसको हमने देखा तो उसमें बेस्ट रिजल्ट नहीं आए तो दूसरी फॉर्म में हम कैसे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलते रहते हैं। नेक्स्ट फील्ड आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी का होता है। डैट मीन्स जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, जो मेडिसिंस को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वहाँ पे आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप इजीली एम्प्लॉय हो सकते हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनका प्रोडक्शन हो रहा है एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एनालिटिकल और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दवाइयाँ बन रही हैं उनको लाके टेस्टिंग की जाती है उनकी, कि वो सेफ हैं या नहीं है, या कैसे रिजल्ट उनके आ रहे हैं। तो अगर टेस्टिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप एनालिटिकल या क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है कंपनी में, जो भी मेडिसिन का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कंपनी उसको फिर वो मार्केट भी करती है, क्योंकि मार्केटिंग अगर नहीं करेंगे तो पेशेंट्स को कैसे पता चलेगा कि कौन सी पर्टिकुलर बीमारी के लिए कौन सी दवाई अवेलेबल हो रही है।
तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है इस डिपार्टमेंट में। तो जिन पर्टिकुलर फार्मेसी प्रोफेशनल को मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ड्रग या मेडिसिन के बारे में, तो वो इस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट और होता है कंपनीज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कंपनीज में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, एक छोटा डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी रिसर्च कंपनीज में नहीं होती है। उसके लिए बड़े बड़े गवर्नमेंट के रिसर्च सेंटर्स अवेलेबल हैं, वहीं पर रिसर्च होती है। बट जो कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे रिसर्च होती है रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन, कि जैसे अगर किसी दवाई या मेडिसिन की टैबलेट फॉर्म में आ रही है तो उसको हम कैसे इंजेक्शन फॉर्म में या इन्हेलर की फॉर्म में या फिर ऑइंटमेंट की फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। तो कोई नई ड्रग इन्वेंट बेसिकली नहीं करते हैं ज़्यादा, जो ऑलरेडी इन्वेंटेड ड्रग हैं उन्हीं पे हम थोड़ा और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, जिसको रिसर्च में या डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो इस फील्ड को ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका रेगुलेटरी डिपार्टमेंट या रेगुलेटरी फार्मेसी होती है। रेगुलेटरी फार्मेसी में क्या होता है, आपकी जो मेडिसिंस हैं या जिनको हम ड्रग्स भी बोलते हैं, ये एक्चुअली आपके केमिकल सब्सटेंसेस ही हैं। तो केमिकल सब्सटेंस होने की वजह से इनका यूज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। तो इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है, जिसको हम रेगुलेटरी फार्मेसी बोलते हैं। ये आपका दोनों में होता है, गवर्नमेंट की अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑल ओवर द कंट्री ये देखती है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे बन रही है, अगर वो बनने के बाद कहीं एक्सपोर्ट हो रही है तो किस तरीके से एक्सपोर्ट हो रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने का काम होता है गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी का। प्राइवेट कंपनीज़ में भी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होता है बहुत सारी, तो वहाँ जो कंपनीज़ में रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होता है उनका काम होता है जो ऑलरेडी मार्केट में ड्रग्स हैं उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, कितने लोग उसको इनटेक कर रहे हैं, और फिर उस पर उन पर्टिकुलर पेशेंट में कैसा रिज़ल्ट रहा, जिस बीमारी के लिए उन्होंने लिया था वो इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट दिया उसने या नहीं दिया, या उसके साथ उनको कोई और साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करने का काम रेगुलेटरी फार्मेसी का या रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का होता है। तो ये प्राइवेट कंपनीज़ में भी होता है और गवर्नमेंट की भी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। तो इन दोनों सेक्टर्स में आपके फार्मेसी प्रोफेशनल्स ही रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि उन्हीं को कंप्लीट नॉलेज है अबाउट ड्रग्स की, ड्रग्स का किस तरीके से हमें रेगुलेशन करना है। तो ये भी आपका एक अच्छा फील्ड है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग फार्मेसी कोर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारी आपके डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी आफ्टर कंप्लीटिंग फार्मेसी कोर्स, और फार्मेसी फील्ड क्या होता है, इसके अंदर आपके क्या क्या डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग फार्मेसी कोर्स आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको एक क्लियर पाथवे मिल गया होगा इस फील्ड के बारे में, या मेडिकल फील्ड में आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हो सकती हैं।